गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो की शुरुआत में सुबह से कर रही हूँ। इस वक्त 7:30 बजे हैं और मैं कपड़े वगैरह निकाल रही थी तो मुझे ये दिखा, पिछले दिनों मैंने ये पजामा और कुर्ता कहीं से ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो ये जो इसका पजामा है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा था। छोटा सा काम है, कितने दिनों से मैं इसे नहीं पहन पा रही थी और अगर पहनती थी तो कमर पे मोड़ के पहनती थी इसे, तो मैंने कहा इसे नीचे से कट करके छोटा कर लेते हैं साइज़ के लिए। तो मैंने इसे करना शुरू किया। जब मैंने इसे करना शुरू किया तो देखिए, पहले तो मैंने इसकी हाइट जो लेंथ है वो ले लिया था नाप करके कि कितनी लेंथ का मुझे पजामा बनाना है। तो ये देखिए, इस पजामे की लेंथ थी 39 और मैं पहनती हूँ, ये देखिए जैसे वाइट वाला है, इसको ऊपर से रख करके भी मैंने नाप लिया और इसकी भी लेंथ मैंने नाप ली, ये 35 है। तो 35 और 39 4 इंचेस जो है, जो नया वाला पजामा मैंने ख़रीदा था वो लंबा था तो मुझे उसमें से 2 इंच कट करना था और 2 इंच इन साइड में मोड़ना था। ये काम मैं ईजिली इसलिए कर पा रही हूँ, आप सब देखते जाइए, ये देखिए इस तरीके से मैंने नीचे से कट कर लिया, इस तरह से मोड़ा इसे पकड़ के और मोड़ करके कट कर लिया, आप सब देखते जाइए। और मैं इसके साथ साथ कैसे मैं ईजिली ये सारा काम कर लेती हूँ ये भी आप सबसे शेयर करती चलती हूँ। ये एक ऐसा काम है कि इस काम से आप अच्छी भली आमदनी भी कर सकते हैं। एक वक्त था जब मैं ये खुद काम किया करती थी, आज से 25-30 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, जब मेरी नौकरी लग गई थी और फिर भी मुझे ब्रेड बटर के लिए और ऊपर से आमदनी की ज़रूरत थी, तो मैं ऑल्टर किया करती थी कपड़े घर में। ऑफिस से आने के बाद जो मेरे पास बचा हुआ वक्त होता था तो उसमें लोगों को पता था, आसपास के लोगों को, किसी को पैजामा छोटा कराना होता था, बड़ा कराना होता था, किसी को ब्लाउज़ लूज कराना होता था, पेटीकोट वगैरह सिलवाने का उस टाइम बहुत चलन था और ख़ास करके बिहार में ये सारी चीज़ें स्टिचिंग करवा के लोग पहनते थे, तो ये सारा काम मैं किया करती थी। फिर मैं साड़ियों में फॉल भी लगाया करती थी और इन सारा के काम से अपने ऑफिस की सैलरी बचा लेती थी पूरे महीने की और पर डे के हिसाब से मुझे 20-25 रुपीज़ की आमदनी हो जाती थी, तो उससे मेरा ब्रेड बटर और घर के पूरे दिन का जो खर्च होता था वो चलता था। ये सिर्फ जो मैं करती थी, मैंने शुरू में ही आप सबसे कहा है कि मैं वही शेयर करती हूँ। तो आज के डेट में भी छोटे शहर क्या, बड़े शहर क्या, सब जगह ऐसा ही होता है। दिल्ली जैसे शहर में भी अभी रहती हूँ मैं, अगर इतना ही एक पजामा को छोटा करवाने के लिए, ऑल्टर करवाने के लिए मैं टेलरिंग शॉप पर जाती हूँ या ऑल्टरनेशन के लिए जो लोग छोटी छोटी मशीनें लेके अलग अलग फुटपाथों पर बैठे हुए हैं उनके पास जाओ, तो इतना ही ऑल्टर करने का वो कम से कम 100 से 120 रुपया वो हमसे मांग लेते हैं हमारे, और मैं अपने आराम से इसे छोटा बड़ा कर लेती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ, तो इसीलिए इतना ईजिली कर सकती हूँ। तो वो एक ज़माना था जब हमारे 20-25 रुपया पर डे की एक्स्ट्रा आमदनी जो होती थी वो हमारे लिए बहुत हुआ करती थी, तो आज के डेट में उसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये काम कोई बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैं सोचती हूँ कि कोई काम बुरा नहीं होता है। मैं अच्छे खासे जॉब पर थी, मैं आरजे थी तभी भी और आज भी मैं वही जॉब कर रही हूँ, पर ये सब कुछ करना मुझे अच्छा लगता था। इसके साथ साथ मैं और भी इंटरेस्टिंग काम करती थी, वो है सॉफ्ट टॉय बनाया करती थी मैं, और उसके ऊपर कभी और वीडियो बनाऊंगी। और इन सारी स्टिचिंग के साथ साथ मैंने धीरे धीरे जो है, मेरा जो मकान हमने लिया था उसमें एक कमरे में मैंने ये करते करते अपना एक बुटीक खोल लिया था, जिस बुटीक को मैंने कम से कम 6-7 साल रन किया था। और मेरे बुटीक में बहुत सारी चीज़ें मैं तैयार करती थी, स्टिचिंग करवाती थी, ऑल्टरनेशन कराती थी, बेडशीट्स तैयार कराती थी, एप्लिक वर्क का काम करती थी, कांथा काम करती थी, तो इस तरीके से बहुत सारे काम। और धीरे धीरे मैंने अकेले शुरू किया था, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे लेबर हो गए थे, बहुत सारे वर्किंग लेडीज़ थी जो आसपास के मोहल्ले की जो नीडी औरतें थी वो भी मेरे बुटीक में आके काम करती थी। और ये जो तुरपाई मैं कर रही हूँ ना, तुरपाई वाले काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे मिला करते थे। पहले के ज़माने में आपको याद है कि जब सूट हम सिलवाने जाते थे तो एक तो मशीन से स्टिच करके दे देते थे नीचे वाला जो पोर्शन होता है कुर्ते का, और कुछ में और या ब्लाउज़ वगैरह के नीचे वाले पोर्शन में हाथ की तुरपाई वाले का एक्स्ट्रा पैसा मिलता था। तो 25-30 रुपया स्टिचिंग सूट का चार्ज होता था अगर आप मशीन से पूरी सिलाई कर देते थे, और हाथ के तुरपाई वाले का 5-7 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलता था। तो वो जो तुरपाई वाला काम था वो 7 रुपीज़ मेरे हिस्से आता था, और इस तरीके से
अगर दो तीन कुर्ते में भी मैंने तुरपाई करके टेलरिंग शॉप में दे देती थी तो वो बहुत ही अच्छा। देखिए आपसे बातें करते करते मैंने ये पजामा पूरा तैयार कर लिया, फर्स्ट क्लास हो गया, इसकी हाइट कम हो गई और अब इसको पहनने में मुझे बहुत बहुत ही आसानी होगी। तो काम कोई भी मेहनत से किया जाए ना, उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ही शर्म नहीं आती है। मेहनत से आप काम कीजिए और किसी भी उम्र में कभी भी कर लीजिए। अब देखिए ये काम करके मैंने कम से कम 150 रुपया तो बचा ही लिया ना। अब पिछले 20 सालों से अपने जॉब के साथ ये भी एक काम करती हूँ। अभी मैं साथियों एक रिकॉर्डिंग करूँगी, ये रिकॉर्डिंग तकरीबन डेली मेरी होती है और ये मैंने अभी लैपटॉप पे कर रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था कि कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा है अभी, तो लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग करके भेजती हूँ। पिछले 20 सालों से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, 3 बोलियाँ, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी में या मारवाड़ी कह लें। अब ये किस कंपनी के लिए, कहाँ के लिए मैं रिकॉर्डिंग रोज़ भेजती हूँ करके आप सब सुन के और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि ये वाली आवाज़ आपने कहाँ कहाँ सुनी है। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ। भोजपुरी रौरा द्वारा दर्ज कई गई एसआर पहले ही हल हो चुकल बा। रउआ गलत एसआर दर्ज कैले बानी। मारवाड़ी थाके द्वारा दर्ज करियो गयो एसआर पहले ही हल हो चुकियो है, थे गलत एसआर दर्ज करियो है। छत्तीसगढ़ी आपमन के द्वारा दर्ज करल गई एसआर पहले ले ही हल हो चुकी से, आपमन गलत एसआर दर्ज करे हो। ये मेरा फर्स्ट मीटअप है, मेरे दो चैनल हैं और दो चैनल में एक सरिता की बगिया है जो गार्डनिंग का मैं चैनल चलाती हूँ, रानी अवस्थी जी है ये। और आप सबको मैं बताते हुए अच्छा लग रहा है मुझे कि 3.5 साल हो गए मुझे जो गार्डनिंग का चैनल मैं चला रही हूँ और मेरी 4th या 5th ये सब्सक्राइबर थी। और आप कहाँ से आए हो, अपना परिचय जी? मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की छोटे सी जगह पांचमल से आई हूँ जी। और मैडम की वीडियो देख देख कर ही मैंने अपनी छत पर जो है कम से कम 200 से 250 पौधे लगा लिए हैं और अब मैं कोशिश में हूँ कि मैडम को देख देख कर मैं भी उसी तरह से अपनी बगिया को कुछ सुंदर सा सजा दूँ। मेरा कोई भी एक भी वीडियो आता है और एक भी वीडियो मेरा बगैर रानी जी के कमेंट के नहीं रहता है, हर वीडियो में इनका कमेंट आता है। और अभी मैंने एक डेली ब्लॉगिंग भी शुरू की है सरिता भाटिया के नाम से, आपको रिटायरमेंट में अपने रिटायरमेंट के बाद का इंतजाम कर रही हूँ सारा, तो उसमें भी इन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। और आप हैं सर, तो मेरे लिए ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी लाइफ का इतना बड़ा अचीवमेंट है कि अभी मुझे 24-25 दिन हुए दूसरा चैनल शुरू किए हुए और मेरे सब्सक्राइबर मित्र और रानी जी को मैं क्या बोलूँ, मेरे फैमिली जैसी है बिल्कुल ही, पूरी फैमिली इनकी जो है हमारे चैनल से जुड़ी हुई है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान बढ़ा दिया। सचमुच मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा भी लाई हूँ और हमेशा आप सब लोग कहते रहते हो कि सरिता जी मुझे सब लोग लिख रहे हैं कि जो मेरे गार्डन में गेस्ट आता है तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा ये प्यारा सा तोहफा बना के अपने तरफ से रखा है। ये देखिए ये है सरिता की बगिया के नाम से मैंने ये बनाया हुआ है, इसमें मेरी फोटो लगी हुई है। तो ये है मैडम के लिए और सर आपके लिए ये अपना डब्बा यहाँ रखा है और आपके साथ है, आपके लिए भी ये इसमें अलग फोटो है और ये तस्वीर है, ये मेरे गार्डन का है, ये भी सरिता की बगिया, तो सर आपके लिए प्लीज। मेरा सौभाग्य, मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा लग रहा है इस अपने बच्चे के लिए जो मेरा वीडियो बना के दे रही है, तुम्हारे बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। नाम क्या है इसका? भावना, ये बच्चा हमारा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर या मेरे लिसनर्स आते हैं, बहुत दूर दूर से लिसनर आते हैं मुझे मिलने के लिए और मैं अपने रेडियो अपने ऑफिस के रिसेप्शन में बैठी हुई हूँ, तो भावना बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू,
तो आपका ड्यू रहा गिफ्ट वंदना। हाँ वंदना का गिफ्ट जो है वो ड्यू रहा, मैं वंदना के लिए जरूर ये कप लाऊंगी। थैंक यू वंदना, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा यार सबसे मिल करके, और बस ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी, मेरा फर्स्ट मीटअप है। थैंक यू। तो साथियों शाम के 6 बज चुके हैं, मैं ऑफिस से आ गई हूँ। आप सबको मालूम है कि आज मेरे दिन की ड्यूटी थी, और दिन की ड्यूटी में मेरी मुलाकात जितने साथियों से हुई, जो क्रियाकलाप थे सब आपके साथ मैंने शेयर किया। आने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं छत पे गई थी, क्योंकि जो ऊपर कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है उसे देखना था, और लेबर भी जाने वाले थे। तो उन्हें देख करके आने के बाद जब मैं नीचे आई तो मैंने वीडियो एडिटिंग करना शुरू किया, तो देखा कि वीडियो जो 10 मिनट का हो गया है, तो हमने कहा कि अब इसमें कुछ और ऐड करना सही नहीं होगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो देखते हैं मज़ा नहीं आता ना उतना सचमुच में। तो चलिए आज का दिन जो है मेरा बहुत बहुत अच्छा गुजरा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बहुत सारा प्यार मुझे दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए, काम में आगे आगे करती रहूँ इसी तरह जिंदा दिली के साथ में। तो आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कल आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।